अब मैनेजर जो है वो खौफजदा हो गया, घबरा गया कि आखिर पता नहीं क्या बात है कि इसने मुझसे क्यों मिलना है या क्यों मिलना चाह रहा है। ओके फाइनली दे गेट मीटिंग, उनकी जो है वो सीटिंग होती है, वो उससे बात करता है तो पूछता है कि आपको मुझसे जो है वो क्या काम है, आर यू आर डिटेक्टर और फ्रॉम पिंकरेट फैमिली और एनी अदर पर्सन और एनी इशू। बट आफ्टर डिस्कशन द मैनेजर रिवील्स दैट ही इज़न्ट हैव एनी कंसर्न, रादर दैट इस किस्म का उसे कोई कंसर्न है ही नहीं। वो ये कहना चाह रहा है कि जो है वो मैं सिर्फ अपनी मेरी जो है $56 में ये जमा करवाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं आपसे मिलना चाह रहा था। अब इस बात पे मैनेजर को गुस्सा आया, ही बिकेम्स कोल्ड एंड सिफर्ड और गुस्से में वो ये कहता है कि यू हैव टू गो टू द अकाउंटेंट, वो विंडो है वहाँ जाएँ, वहाँ जाके जो है वो ये काम करें। अब उसको ये अब इस एटीट्यूड पे उसे जो है वो और ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या कह दिया है या क्या हो गया है। अच्छा अब मैनेजर से इनकाउंटर के होने के बाद जब वो क्लर्क के पास गया तो वो उसे जो है वो चेक बुक एक थमा देता है, ठीक है, और उसे कहता है कि इसके ऊपर जो है वो रकम लिखते जो आपने जमा करवानी है। अब अपने पास $6 अपने पास रखना चाह रहा था और 56 जो है वो जमा करवाना चाह रहा था, लेकिन इनफैक्ट कन्फ्यूजन में क्या हुआ कि उसने $50 की बजाय $56 ही लिख दिए, मतलब कि सारी की सारी रकम जमा करवा दी। फिर उसे एहसास हुआ कि सारी रकम जमा करवा दी तो मैं जो है वो खर्च क्या करूँगा, व्हाट आई नीड टू स्पेंड फॉर नाउ यूज़, अब के इस्तेमाल के पास तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर वो क्लर्क से कहता है कि जो मैंने रकम रखवाई है मुझे उसको निकलवाना है। तो फिर क्या है कि वो $6 राइड करने की बजाय सारी की सारी रकम फिर से लिख देता है और क्लर्क इतने जो है वो ऑकवर्ड वे में उसको देखता है और उसे जो है वो इतने इंसल्टिंग और एंग्रीश टोन में उसको जो है वो देखता है कि वो बेचारा जो है वहाँ, मतलब कि जो पहले उसका कंफ्यूजिंग टेम्परामेंट था रिलेटेड टू द बैंक वो बिल्कुल ही उससे उकता गया। सारे रकम निकलवाता है और इतनी तेज़ी से वो बैंक से निकलता है कि जैसे जो है वहाँ उसको किसी ने खा जाना हो या कुछ ऐसा हो। अब सारा कुछ करने के बाद वो ये कहता है कि नेवर एवर अगेन आई गो टू द बैंक, दोबारा कभी उसने जो है वो बैंक जाने का ना कभी सोचा ना बात की ना कुछ इस तरह से। एंड ही सेड दैट आफ्टर दैट जैसे ही जो है मतलब उसे हर चीज़ वहाँ खौफजदा कर रही थी, वो लोग जिनके साथ उसका वास्ता पड़ा, वो दरवाज़ा, वो उसे लगा खिड़कियाँ मुझ पे हंस रही हैं, बैंक की छत मुझ पे हंस रही है। इन दी एंड वो अपनी जो है वो स्टेटमेंट से ये देता है, लुक एट दिस, जब उसने बात की ही गेव टू मी एंड आई रश्ड आउट एज अ बिग स्वैंग बिहाइंड मी, कि जैसे मेरे पीछे सब जो है वो हंसना शुरू हो गए। इनफैक्ट दिस वॉज द स्टेट ऑफ हिज माइंड अकॉर्ड द इको ऑफ द ऑफ आ रोअरिंग लाफर। अब क्या है कि हंसी के जैसे फुवारे उसके पीछे छूट गए हैं। अब इस वे में जो है वो बताता है कि बैंक की हर हर चीज़ मुझ पे हंस रही थी। और उसके बाद कहता है मैंने अपनी मनी जो है अपनी पैसे जो मेरे ज़रूरत के होते थे वो मैं ट्राउज़र पॉकेट में डालता था और अपनी सेविंग जो है वो मैं अपने जो लाइक सॉक्स में रखता था। सो दिस वॉज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ स्टीफन लीकॉक इन विच ही मेक अ लाफिंग स्टॉक टू हिमसेल्फ, कि इंसान जिस चीज़ के बारे में या जिस प्रॉब्लम को लेके अपने माइंड में जो है एक कॉन्सेप्ट डाल लेता है कि मैं ये नहीं कर सकता तो वो उससे होने की बजाय उल्टा उसका जो है वो रिएक्ट ही होता है। सो हियर इज अ मैसेज ऑल्सो, यू हैव टू नॉट कन्फ्यूज अबाउट द स्ट्रेंजर थिंग्स, जब आपका चीज़ों के साथ इनकाउंटर होता है सडनली यू गेट इनेबल टू दैट, आपको आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है वो करने के यूज़ टू हो जाते हो, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप दोबारा वहाँ जाओ ना। आप इट्स द स्टेट ऑफ योर ओन माइंड, ये अपने आपके अपने माइंड की स्टेट होती है कि आपको जो है उन चीज़ों के साथ कैसे किस तरह से जो है रिएक्ट करते हो और वो चीज़ें आपको कैसे जो है वो घूरती हैं या किस तरह से करती हैं। अच्छा अब इस यूनिट में जो है इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जिनके सिनोनिम्स आपको करने होंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है ये फर्स्ट पैसेज में यूज़ हुआ हुआ था, ये था गेट रेटल्ड। गेट जब रेटल्ड वैसे अकेला होता है
किसी चीज़ को जो है वो कंफ्यूज करना, किसी चीज़ का आपको थपकना या जो है वो बजना, एक तो ये भी होता है बौखलाहट में बजना या सर्दी से बजना या अपसेट होना, बदहवास हो जाना, तो गेट रेटल्ड होता है बदहवास होना कंप्लीट। आप स्पोकन में ये यूज़ कर सकते हो आई गेट रेटल्ड। उसके बाद सेकंड वर्ड विकेट, विकेट स्मॉल चीज़ को कहते हैं, इंसेक्ट्स पे हो सकता है लेकिन यहाँ जो विकेट है वो छोटा दरवाज़ा है, इसमें जो है जहाँ से हम एंट्रेंस होते हैं, एक तो मेन डोर होता है उसके बाद छोटा डोर होता है जो कि रिवॉल्विंग होता है इन द एंट्रेंस ऑफ एनी बिल्डिंग, तो उसको जो है वो विकेट बोलते हैं। उसके बाद इरिस्पॉन्सिबल इडियट से मुदाद केयरलेस इडियट, अहमक जाहिल किस्म का शख्स जो होता है वो। उसके बाद आ जाता है शैम्बल, शैम्बल बोलते हैं लड़खड़ाने को। स्टैगर्ड भी होता है इसका सिनोनिम, वॉक कन्फ्यूजनली, मूव डिसऑर्डरली, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। उसके बाद है स्पकलर, लाइक उदास, उदास इसका सिनोनिम हो सकता है सैड, फनरल, ग्लूमी, सो ऑल दीज आर इट्स सिनोनिम्स। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट वर्ड है क्रम्पल, क्रम्पल होता है किसी चीज़ को जो है वो क्रश कर देना, क्रम्पल बॉल होता है गोली देना या आप किसी चीज़ को जो है वो क्रश करते हो, क्रम्पल मतलब कि कोई कागज़ है सपोज उसको मुट्ठी में लेके आप दबाते हो तो उस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो रम्पल्ड उसको करना होता है, क्रम्पल्ड आप उसको बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है रुथरचाइल्ड, ये बैंकर्स हैं, इंटरनेशनल बैंकर्स हैं जो उनके बहुत ही लैंडलॉर्ड हैं और फैमिली से, सो इनको जो है वो कम्प्लीटली ये कहा जाता है कि ये लाइक कहावत है कि जैसे कि वो लैंडलॉर्ड हो या आप कह दो कि बैंकर्स हों, काफ़ी लैंडलॉर्ड फैमिली, तो इस उसको ये समझा कि ये जो है वो बहुत अमीर कबीर शख्स है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड्स होता है वह यहाँ पे है पोक, पोक का मतलब होता है धकेलना, पुश जो है वो धक्का देना या किसी को जो है वो हटाना पीछे। फिर आ जाता है कन्वल्सिव, कन्वल्सिव होता है जोर से जर्क देना किसी को झटके से, सो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं वॉयलेंट, फिटफुल हो सकता है, जर्की हो सकता है, सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ इट। फिर आ जाता है कंजोरिंग जर्क्स, कंजोरिंग झंझोड़ देना किसी चीज़ को या फिर जो है वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेस्ड करना या किसी चीज़ को जो है वो आप ये कह सकते हो कि उसको मजाक का निशाना बनाना, जैसे कि उसे लग रहा था कि मैं आई एम लाफिंग स्टॉक आप कह सकते हो। वाइब्रेटिंग होता है ऑब्वियसली लड़खड़ाना किसी चीज़ का, शेकिंग होता है, मूविंग होता है, थ्रिलिंग्स हो सकता है इसमें। फिर इनवैलिड मिलीनियर होता है, एक तो इन लाइक मिलीनियर तो होता है ना अरबपति या करोड़पति, तो इनवैलिड मिलीनियर वो होता है जो किसी बीमारी की वजह से जो है जिससे दौलत छीन गई हो या जिससे जो है वो लाइक किसी और प्रॉब्लम की वजह से उस किसी की वजह से उससे दौलत जो है वो, यानी पहले वो अमीर था और फिर उससे वो गरीब हो गया, तो इसे इनवैलिड मिलीनियर बोलते हैं। और इन द एंड जो वर्ड है आपके पास रेकलेस, रेकलेस कहते हैं केयरलेस शख्स को, लापरवाह आदमी को, तो इसका सिनोनिम हो सकते हैं रैश, नो केयरिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, हालात का कोई शख्स जो है वो सामना ना कर सके। ठीक है, नाउ कम टू वर्ड द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस यूनिट। क्वेश्चन आंसर हम एक्सरसाइज वाले करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन यहाँ 6 हमारे पास जो है वो दिए हुए हैं, लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज व्हाट लाइट डू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन थ्रो ऑन लीकॉक स्टेट ऑफ माइंड व्हेन ही एंटर्ड द बैंक। अच्छा, अब क्या है, लुक्ड टिमिडली राउंड शैम्बल इट। अब ये स्टेट, ये जो है लाइन दी है, फ्रेज है, ये उसके किस माइंड सेट की, यानी उसकी जहन की क्या कंडीशन थी, उसका दिमागी तवाजुन कैसा था जब वो बैंक में एंटर होता है। सो वी कैन सी इन द स्टार्ट ऑफ द यूनिट इज़ दैट द ऑथर बिगेंस टू लुक एट एवरी बॉडी इन द बैंक टिमिडली, लाइक वो बौखलाहट में हर किसी को देखना लगता है। लुक्ड टिमिडली राउंड, इधर उधर देखता है, शोज द राइटर्स कन्फ्यूज एंड कवर्डली स्टेट ऑफ माइंड, के वो खुद कन्फ्यूज है, मीन्स आप कन्फ्यूजन में होते हैं तो एंटर होते ही आप इधर उधर देखते हो, शायद सब मुझे ही देख रहे हैं। सो शैम्बल्ड इन, वो लड़खड़ा रहा था, शर्मा रहा था या वो बुजदिल शो कर रहा था। शोज द इफेक्ट्स ऑफ फियरफुलनेस ऑफ द राइटर दैट ही स्टेगर्ड इन,
कि इस लड़खड़ाहटता हुआ जो है वो खौफ में, वो इसलिए जो है वो लड़ जाता है, एंटर होता है। मतलब कि ये वाली फ्रेज उसकी माइंड की फियरफुलनेस, उसकी माइंड की जो है कंफ्यूजन, और उसके बॉडी लैंग्वेज वो सारी की सारी अपसेटनेस को जो है वो शो कर रही थी, जिस तरह से वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। व्हाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट लीकॉक हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील? बिकॉज जैसे उसने एंटर होते ही पूछा कि मुझे मैनेजर से मिलना है इन द वे ऑफ दैट, और एक वर्ड जो उसने यूज़ किया, मुझे आपसे अकेले में मिलना है, तो मैनेजर ने तो यही समझना था ना कि शायद ये कोई जो है वो कोई सीक्रेट जो है वो मुझे बताना चाह रहा है, किसी एजेंसी से इसका ताल्लुक है। सो आंसर वुड बी प्रॉपरली इन दैट फॉर्म, द राइटर हैड अ स्ट्रेंज वे ऑफ टॉक, हिज एक्सप्रेशन ऑन द फेस, सॉल्विनिटी इन द बिहेवियर एंड द मिस्टीरियस मैनर वर स्ट्रेंज, दे लेड द मैनेजर टू थिंक दैट ही हैड ऑफुल सीक्रेट टू रिवील। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वॉज द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर टूअर्ड लीकॉक ऑन लर्निंग दैट ही ओनली विश्ड टू डिपॉजिट $56 इन द बैंक? अच्छा जी, अब मैनेजर क्या करता है जब उसे पता चलता है कि उसने तो सिर्फ $56 जमा करवाने हैं? तो फिर अब यहाँ ये होता है, द ऑथर टोल्ड द मैनेजर दैट ही वॉन्टेड टू डिपॉजिट $56, द मैनेजर गॉट एंग्री, गुस्सा आता है उसे, ही गॉट अप, खड़ा हो जाता है, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलता है, एंड कॉल द अकाउंटेंट दैट दैट जेंटलमैन वॉज ओपनिंग एन अकाउंट, ही वुड डिपॉजिट $56। दरवाज़ा उसके लिए खुद खोलता है, मतलब गुस्से में उसे और कुछ और समझ नहीं आती, दरवाज़ा खोलता है, रादर देन ही सेड टू बी दैट गेट आउट, तो उसे कहता है कि मैनेजर को, उसको बुलाता है अकाउंटेंट को, उसे कहता है इस बंदे के जो है वो अकाउंट खोल दो और उसे $56 जमा करवाने हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आए, व्हाट अदर ब्लंडर्स डिड लीकॉक कमिट आफ्टर लीविंग द मैनेजर्स ऑफिस? एक तो ब्लंडर उसने ये किया, मैनेजर के पाव को सीधा मिलने चला गया, फिर वहाँ से उठने के बाद उसने क्या ब्लंडर्स किए हैं? तो कंडीशन ये थी, ही एंटर द सेफ, जब वो कमरे से निकला वो सेफ में घुस गया, ही पोक द मनी एट द अकाउंटेंट इन एन अब्जर्व मैनर, फिर वो उसने जब उठा के अपने पैसे जो है वो इन काउंटर पे फेंके, तो तब उसके जो है वो एटीट्यूड अजीब सा था, फिर इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग $50 उसने क्या किया, चेक 56 का है बना दिया, और फिर उसके बाद ही वो रोट 56 ऑन द चेक इंस्टेड ऑफ $6, जब $6 निकलवाना चाह रहा था तो उसने $56 जो है वो लिख दिए, ही पोज टू बी एंग्री एट देयर डीलिंग इंस्टेड ऑफ कन्फेसिंग हिज फॉल्ट। अब वो बजाय कि अपना गुनाह मानता या अपनी गलती मानता, उल्टा उसने लोगों पे गुस्सा करना शुरू कर दिया, और इसी बौखलाहट में जो है वो बैंक से बाहर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, आफ्टर हिज मिस एडवेंचर इन द बैंक, वेयर डिड लीकॉक कीप हिज मनी? तो ये था कि ही कैप्ट हिज मनी इन द ट्राउजर्स पॉकेट एंड द सेविंग्स कैप्ट इन सॉक्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए, गिव एज मैनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन टू शो दैट लीकॉक वॉज फीलिंग कम्प्लीटली लॉस्ट इन द बैंक ऑल द टाइम ही वॉज देयर। कुछ कंडीशन या सिचुएशन एग्जाम्पल्स ऐसी बताएं कि जब जो है वो, जब कभी भी वो बैंक से उसका वास्ता पड़ा तो वो जो है उसका वो उसको कंफ्यूज ही किया है उन चीज़ों ने। फर्स्ट तो उसकी एंट्रेंस ही जो है वो थी, जब जा रहा था तो तभी उसका रेटलेस एटीट्यूड था, रवैया था, लड़खड़ाहट चला चाल उसकी। सेकंड, जब वो मैनेजर से मिला, फिर उसके बाद सेफ में एंटर हो गया, फिर $56 जो है वो चेक पे राइट कर दिया रादर देन राइटिंग $50, एंड देन ही अगेन गेट कंप्लीट मनी रादर देन राइटिंग द $6, और फिर उसके बाद जो है वो चेक फिफ्थ उसने जो है वो गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया अपना फॉल्ट मानने की बजाय। सो ऑल दीज आर केसेस टू गेट कन्फ्यूज हिम एंड टू शो हिज एटीट्यूड दैट ही वॉज गेटिंग कन्फ्यूज एंड फियरफुल एंड शो दैट कि वो अब कभी जो है वो इस बैंक में नहीं आएगा या इससे उसका जो है वो वास्ता नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक सो कि क्लियर हो गया होगा आपको सारी चीज़ें, स्टोरी क्लियर हो गई होगी। कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो थे हमने डिस्कस किए सिनोनिम्स की फॉर्म में, और क्वेश्चन और आंसर डिस्कस किए होंगे। बाकी आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इफ़ देयर वुड बी एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द जूम मीटिंग ऑन गिवन शेड्यूल। अल्लाह हाफिज़।